नमस्कार दोस्तों, श्याम एलसीए जीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को कुछ बच्चों के जरिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 टीम भाग लेंगे और 6 टीम से आप क्वेश्चन जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी क्वेश्चन। तो इसमें ग्रुप ए में क्या नाम है, आप ग्रुप ए में रहेंगे, नाम क्या आपका? हाँ, ग्रुप बी में रिशु, पूरा नाम बोलो। ग्रुप सी प्रियांशु जायसवाल। ग्रुप डी जामोई। ग्रुप ई रौनक साहू। ग्रुप एफ सोनम साहू। सोनम साहु, तो आप लोग अपना ग्रुप याद रखिएगा। अगर मैं ग्रुप ए को बुलाऊं तो ग्रुप ए ही आएंगे, ग्रुप बी का बुलाऊंगा तो ग्रुप ए बी आएंगे। उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ग्रुप ए को बुलाने वाला हूं। ग्रुप ए, आपका नाम क्या है? खुशी ठाकुर। क्या नाम है? खुशी ठाकुर। अच्छा, खुशी ठाकुर नाम, अच्छी बात है। तो आप क्या क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार हैं? यस सर। ओके, तो आपसे क्वेश्चन है, प्रत्येक राउंड में यानी 6 टीम भाग लिया है, अब प्रत्येक टीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे खुशी जी? तो आपसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान में कितने हड्डी होते हैं? 6। बिल्कुल सही जवाब है खुशी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन का आप जवाब दे चुके हैं। अब हम बुलाना चाहते हैं ग्रुप बी को। ग्रुप बी, आपका नाम क्या है? रिशु कुमार। रिशु कुमार, रिशु कुमार, रिशु का नाम। हाँ, तो रिशु कुमार जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपके, आपको मालूम है कि आपके कंपटीशन लाइन में आपके साथ 6 टीम भाग लेंगे और 6 टीम से प्रत्येक टीम से 10-10 क्वेश्चन पूछूंगा। इसमें जवाब जो सबसे हाईएस्ट देंगे उसको कुछ प्राइज वितरण दिया जाएगा, ठीक है? तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का तिरंगा झंडा में कितने रंग होते हैं? 3। बिल्कुल सही है ऋषि जी, ऋषु जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ ग्रुप सी को। ग्रुप सी, आप जल्दी इधर आने की कृपया करें। तो अब मैं ग्रुप सी को बुलाने वाला हूँ। तो ग्रुप सी, आप तैयार है क्वेश्चन के जवाब देने के लिए? हाँ। सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? प्रियांशु जायसवाल। अच्छा, प्रियांशु जायसवाल जी, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वेरी गुड, आपका जवाब सही है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ ग्रुप डी को। ग्रुप डी, आप क्या तैयार है क्वेश्चन के जवाब देने के लिए? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? झा मोहित। झा मोहित जी, तो आपसे क्वेश्चन है, आपको भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं ग्रुप ई को बुलाना चाहता हूँ, आइए। तो ग्रुप ई, आप तैयार है क्या? यस सर। तो आपसे क्वेश्चन है? यस सर। मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। बिल्कुल सही जवाब। तो रौनक जी, आपका एक मार्क्स मिल चुका है। Yes. अब मैं ग्रुप एफ को बुलाना चाहता हूँ। तो ग्रुप एफ, आप तैयार है क्वेश्चन को जवाब देने के लिए? पहले तो ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है? सोनम साहू। सोनम साहू जी, तो आपसे क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं ग्रुप जी को बुलाना चाहता हूँ। तो ग्रुप जी, आप आने की कृपा करें। तो ग्रुप जी, आपका नाम क्या हुआ? ऋषि ठाकुर। ऋषि ठाकुर जी, हाँ। क्या आप क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार है? यस सर। बताइए। हाँ यस सर। जोर से बोलिए। यस सर। ओके, तो आपसे क्वेश्चन है, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। बिल्कुल सही है ऋषि जी का। तो दोस्तों, आप तो देखे होंगे
कि ग्रुप राउंड का एक ग्रुप चला जिसमें प्रत्येक ग्रुप ए से जी तक प्रत्येक ने प्रत्येक क्वेश्चन को जवाब दे चुका है। अब ग्रुप राउंड टू का दूसरा क्वेश्चन जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट से दो दो क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें जवाब दो क्वेश्चन में जितना देंगे उस हिसाब से देख लीजिए। तो ग्रुप ए खुशी कुमारी जी आपसे दो क्वेश्चन में पूछूंगा, आपको दो का दो क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है? Yes, तो मैं आपको दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्वेश्चन के लिए आप तैयार है? Yes, sir. ठीक है, तो खुशी कुमारी आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन में और पूछूंगा कि कौन सा ऐसा जानवर है जो दूध देता है? गाय। बिल्कुल सही जवाब। खुशी आपका ये दोनों क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है। अब मैं ग्रुप बी को बुलाना चाहता हूं। ग्रुप बी आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो अभी से क्या हुआ कि आप पीछे निकलना चालू हो जाएंगे, ठीक है? तो ग्रुप बी आपसे क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही जवाब आपका ग्रुप बी का प्रथम क्वेश्चन का सही जवाब है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, आप तैयार है क्या? हाँ। जो आपको इस सेकंड राउंड का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है? तो ग्रुप बी भी अभी तक दोस्तों, अब मैं ग्रुप सी को बुलाना चाहता हूँ। तो ग्रुप सी आप तैयार है, आपसे इस राउंड में दो क्वेश्चन में पूछूंगा, आपको दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। हाँ। तो आपसे क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ। बिल्कुल सही जवाब है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, आप बताइएगा भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही है आपका, दोनों का दोनों क्वेश्चन आप सही जवाब दिए हैं। अभी तक मुकाबला टक्कर का है, ठीक है? अब मैं ग्रुप डी को बुलाने वाला हूँ। ग्रुप डी आ जाओ। तो ग्रुप डी आप तैयार है, इस राउंड में आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप क्या तैयार है? हाँ। तो आपसे क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? ग्रुप डी बिहार की राजधानी कहाँ है आपको बताना है? पटना। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा बिहार में कितने जिला है? बिहार में कितने जिला है? छः। बताइए। छः। बिहार में छः जिला, रॉन्ग जवाब। अब ग्रुप डी का इस राउंड में एक नंबर प्राप्त कर चुके हैं, अब ग्रुप ई को मैं बुलाने वाला हूँ। तो ऋषि आप, अरे ऋषि नहीं, तो रौनक जी आप तैयार है? यस सर। एफ है ना? ग्रुप ई आप कौन से ग्रुप का है? ग्रुप ई। ग्रुप ई आपसे मैं इस राउंड में दो क्वेश्चन पूछूंगा, अगर दो क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप जितना दे सके। तो आपसे दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। आप जवाब दीजिएगा कि भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी, हाँ, आप कैमरा के आगे देखिए, भारत की राजधानी, आप लोग मत बोलिए, भारत की राजधानी है बिहार। गलत जवाब है। अब आपका एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन और मैं पूछने वाला हूँ, आप जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? मनुष्य के, हाँ,
26। रॉन्ग जवाब। इस राउंड में आप एक भी नंबर नहीं प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं ग्रुप एफ को बुलाने वाला हूं। तो ग्रुप एफ, आप तैयार हैं क्वेश्चन को जवाब देने के लिए? हाँ सर। इस राउंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपको दोनों क्वेश्चन का आपको अच्छे से जवाब देना है, ठीक है? तो आपसे इस क्वेश्चन है, आप अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बिहार में कितने जिला है? बिहार में 38। बिहार में 38। बिल्कुल सही जवाब, बिहार में 38 जिला है। और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? श्री उद्धव ठाकरे। बिल्कुल सही जवाब, दो का दो क्वेश्चन का आप जवाब सही दे चुके हैं, ठीक है? अब मैं ग्रुप जी को बुलाने वाला हूँ। कृपया आप आने की कोशिश करें। तो ऋषि जी, आप तैयार हैं? यस सर। आपको इस राउंड में दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, दोनों क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। यस सर। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाँ, कि मनुष्य के कपाल में कितने हड्डी होते हैं? 36। रॉन्ग जवाब। मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होते हैं। आप याद रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन, आपको दूसरा मैं पूछ रहा हूँ, आप इसमें जवाब देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत की राजधानी कहाँ है? पटना। बिल्कुल गलत जवाब है, आप इस राउंड में 2 का 2 क्वेश्चन गलत जवाब दिए हैं, ठीक है? तो अब मैं, तो दोस्तों अभी तक क्यूज प्रतियोगिता का जो आयोजन किए हैं उसमें रिजल्ट इस प्रकार है, जिसमें ग्रुप ए का 3 मार्क्स अभी तक प्राप्त कर चुके हैं, ग्रुप बी भी 3 अंक प्राप्त कर चुके हैं, ग्रुप सी भी 3 क्वेश्चन में 3 जवाब दे चुके हैं, ग्रुप डी में 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, और ग्रुप ई में अभी तक 1 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। ग्रुप एफ अभी तक 3 क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, और ग्रुप जी 1 क्वेश्चन का अभी तक जवाब दे चुके हैं। तो मैं फिर से ग्रुप ए को बुलाने वाला हूं। तो आप ग्रुप ए हैं, आप तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ई के साथ महासंग्राम प्रतियोगिता होने वाला है। दोस्तों इसमें जो भी हारेगा वह इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। अगर जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसको टक्कर और जो बाकी टीम से एक मिलेगा उसके साथ होने वाला है। तो आपसे तीनों से मैं 2-2 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को जवाब देने के लिए? यस सर। ठीक है, तो ग्रुप ए आपसे क्वेश्चन है, 3 8 जा कितना होता है? 3 8 जा 24। बिल्कुल सही जवाब। अब ग्रुप बी से क्वेश्चन है, 4 3 जा कितना होता है? 4 3 जा जल्दी बताइए ग्रुप बी, लगता है क्या समय लगता है? जल्दी, आपके पास टाइम है। 4 3 जा कितना होता है बताइए? 12। बिल्कुल सही जवाब। अब ग्रुप ई के साथ, ग्रुप ई, अगर आप यहाँ क्वेश्चन अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से सोच समझ के बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन है, 3 8 जा कितना होता है? ग्रुप सी अच्छे से, 3 8 जा टेबल का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। अगर आप जवाब देते हैं तो आप प्रतियोगिता में बने रहेंगे, अन्यथा आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। 3 8 जा 3 का टेबल पढ़िए। ग्रुप सी, ग्रुप ई बोलिए, 24। रौनक आप बहुत ही भागशाली है, जो कि हमको लग रहा है तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था शायद, तो आपका बगल वाला आपको सपोर्ट किया, इसका तो माइनस 1 नंबर कट जाएगा ऋषि कुमार को। तो इसलिए आपको फिर से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आप जवाब दीजिएगा, 2 9 जा कितना होता है? 2 9 जा कितना होता है? 18। बिल्कुल सही जवाब। दो क्वेश्चन में से अभी
तीनों बराबर प्रतियोगिता में चल रहे हैं। इस राउंड में रिशु को मौका मिलेगा, लेकिन जब फाइनल का सिलेक्शन होगा उसमें रिशु को एक नंबर कट जाएगा, क्योंकि उन्होंने दूसरा क्वेश्चन का जवाब दिया था। ठीक है, तो आप तीनों से एक एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, खुशी कुमारी आप जवाब देंगे, आपसे क्वेश्चन है कि अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। बिल्कुल सही जवाब। अब रिशु कुमार आपसे क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा। क्या रिशु कुमार आप तैयार है? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। इस बार आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब नहीं ना देंगे? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में दो भाजी का नाम बता दीजिए। आपके घर में आप भाजी खाते होंगे, दो भाजी का नाम, दो वेजिटेबल का नाम बताइए। रिशु जी बताइए, आपसे क्वेश्चन है, अंग्रेजी में बताना है दो भाजी का नाम। रिशु जी, रिशु जी बताइए, गन्ना नहीं। क्या आपके पास टाइम है? बताइए, आपको टाइम दे रहा हूं। आप घर में भाजी खाते होंगे, मम्मी आपको मार्केट से प्रतिदिन भाजी लाते होंगे, पापा भी लाते होंगे, तो भाजी का नाम बताइए इंग्लिश में। दो भाजी, हाँ, वेजिटेबल। वेजिटेबल तो वही हुआ ना, सब्जी। क्या आप जवाब देने में सक्षम नहीं है? बताइए, यस या नो? नो। ठीक है, तो रिशु जी आप इस राउंड से बाहर हो गए हैं। अब मैं ग्रुप ई रौनक कुमार से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस सर। आप क्या तैयार है? यस सर। ठीक है, ओके। आपसे क्वेश्चन है, दो फल का नाम इंग्लिश में बताइएगा। इंग्लिश में? हाँ, दो फल का नाम बताइए इंग्लिश में। एक सेब। इंग्लिश में? इंग्लिश। सेब तो हिंदी में, सेब को सेब बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में, इंग्लिश में। रौनक जी, एप्पल। बिल्कुल सही जवाब है। एक फल का और नाम बताइए जल्दी। बनाना। बिल्कुल सही है। और जो कि इस प्रतियोगिता, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप ई के साथ जो महाप्रतियोगिता हुआ था, उसमें ग्रुप बी बाहर हो गए हैं। और मैं इसी तरह मैं ग्रुप बी को बोलना चाहूंगा कि आप इस ग्रुप से बाहर होंगे, आप बाहर निकल जाइए उस ग्रुप में से। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप ई में महाप्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उसमें ग्रुप बी बाहर हो गए हैं। अब दो टीम के बीच मुकाबला होगा, ग्रुप ए और ग्रुप ई में। इसमें कौन सा टीम विनर होगा इसका अभी मालूम नहीं, क्योंकि इसमें हम दो क्वेश्चन दोनों ग्रुप से पूछूंगा। अगर दोनों क्वेश्चन में जो अगर जवाब देंगे तो फर्स्ट स्थान पर रहेंगे, अगर नहीं जवाब देते हैं तो वह इस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। फिर अगर जो विनर होगा उसको दूसरा जो ग्रुप से तीन स्टूडेंट का जो ग्रुप होगा उसमें से जो एक विनर होगा उसको प्रतियोगिता कराया जाएगा, खुशी कुमारी या रौनक कुमार से। तो ठीक है खुशी, आप तैयार है? यस सर। तो आपसे क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा कि मम्मी आपको 10 रुपया दी, आपने मार्केट गया, मम्मी ने आपको 10 रुपया दी, आपने मार्केट गया, 7 रुपया का सामान लिया और बाकी पैसा आपने, मतलब अपने पास रख लिया। आपने घर पे आया और मम्मी को बोली, मम्मी 10 रुपया का मैं सामान ला दिया। फिर रिशु, आपका भाई रिशु क्या बोला? मम्मी
खुशी ने घपला किया तो आपने कितना रुपया घपला किया बताइएगा। आपसे क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ के बताइएगा, क्वेश्चन समझे कि नहीं, कि फिर मैं समझाऊं आपको। एक नहीं नहीं अच्छे से सोच समझ के बोलिए, नहीं तो ये फाइनल राउंड है, आपको गलत करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्वेश्चन समझे कि फिर समझाऊं खुशी? हाँ। क्वेश्चन समझाऊं फिर से कि आप समझ गए? सर नहीं समझे। अच्छा तो बिल्कुल मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। आपका मम्मी आपको 10 रुपया दिया, आप मार्केट गए 7 रुपया का सामान लिए और घर पे आके बोले, अब तुमने बोली क्या बोली, मम्मी मैंने 10 रुपया का सामान लाया। उधर ही आपके साथ भाई भी था, भाई रिशु था, रिशु क्या बोला मम्मी को, मम्मी खुशी ने घपला किया तो क्या तो आपने कितना रुपया का उसमें घपला किया, अपने पास रखा चोरी किया बताइए, वो जवाब, वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ लास्ट टाइम। अगर इस बार जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, आपको मौका नहीं दूंगा। 500 रॉन्ग जवाब। तो खुशी जी अभी आपका आप ये मनाइए कि रौनक भी ये क्वेश्चन का गलत जवाब दे दे। तो खुशी आप इस प्रतियोगिता में अभी भी बने हुए हैं क्योंकि आप ये मनाए कि अगर रौनक को ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप प्रतियोगिता में जीवित है, अन्यथा आप ये प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो रौनक जी ग्रुप की आपसे क्वेश्चन है। यस सर। आपका पिताजी आपको 12 रुपया दिए। यस सर। 12 रुपया दिए। यस सर। आपने क्या किया, 14 रुपया का सामान लेके आया, 12 रुपया दिए 14 रुपया का सामान लेके आया, तो आपने कितना रुपया एक्स्ट्रा लगाया? 2 रुपया। बिल्कुल सही जवाब। अब तो खुशी को इस इधर से बाहर जाना ही होगा, तो खुशी आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं और रौनक आप सेमीफाइनल राउंड के लिए तैयार रहिए क्योंकि आपका मुकाबला किससे होगा ये अभी डिसाइड नहीं है, आपको बताऊंगा, आप साइड में बैठे रहेंगे क्योंकि आपको इस प्रतियोगिता में अभी आप जीवित हैं, ठीक है, तो आप साइड में बैठ जाइए, मैं आपको बुलाऊंगा तो आपको आना होगा। तो अब महा मुकाबला होने वाला है ग्रुप एफ भिड़ंत ग्रुप जी के साथ, इसमें जो विनर होगा उसका भिड़ंत रौनक के साथ होगा। तो क्या आप लोग दोनों स्टूडेंट से ग्रुप ई और ग्रुप, तो अगर आप दोनों इसमें प्रतियोगिता में अगर 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा और दोनों में से जो दोनों क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उसको रौनक के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन है, तो ग्रुप एफ आप तैयार है, सोनम कुमारी आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप दोनों क्वेश्चन का अगर सही जवाब देते हैं तो आप ग्रुप में बने रहेंगे, अन्यथा अभी आपको बाहर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन है, अगर बताइएगा दोनों को एक ही क्वेश्चन रहेगा, वोवेल लेटर कितने होते हैं? 5। बिल्कुल सही जवाब है, वोवेल लेटर 5 होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे मैं अब ऋषि से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछूंगा, फिर ऋषि से पूछूंगा। तो ऋषि आप तैयार है? यस में। यस सर। यस सर। आपसे क्वेश्चन है कि आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अगर अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं तो वोवेल में 5 लेटर है, तो बाकी कौन सा लेटर होगा, बाकी कितना होगा वही बता दो। 6 लेटर।
रॉन्ग। बिल्कुल गलत जवाब है आपका। अब एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, अगर ये क्वेश्चन अगर जवाब दे देते हैं ग्रुप ई नहीं एफ, तब तो आप विनर हो जाएंगे। इसी टाइम तब ग्रुप जी से क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना नहीं है। अगर नहीं जवाब देते हैं तब चांस बनेगा ऋषि कुमार को। तो आपका क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की न्यू दिल्ली। रॉन्ग जवाब। अभी भी ऋषि कुमार को चांस है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अच्छा, तो महाराष्ट्र की। हाँ, तो ऋषि जी, ऋषि कुमार, यस सर, अभी भी चांस है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप जवाब देते रहे तो इस प्रतियोगिता में आप बने रहेंगे, अन्यथा आप टीम से लॉस्ट कर जाएंगे, आप ये प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक जवाब वो क्वेश्चन दे चुका है। तो ठीक है, आप तैयार हो? आप क्वेश्चन के जवाब देने के लिए तैयार है? यस सर। तो आप जवाब दीजिएगा। यस सर। आपसे क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी न्यू दिल्ली। बिल्कुल गलत जवाब। आप इस तरह ऋषि कुमार इस प्रतियोगिता से बाहर होते हुए अब ग्रुप एफ का भिड़ंत रौनक कुमार से होगा, जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप दोनों साइड हो जाइए। ऋषि कुमार, ऋषि आप बैठ जाइए। हाँ, ऋषि बैठ जाइए और आप भी अब बाहर हो जाइए। अब आते हैं, अब जो प्रतियोगिता होने वाला है सी और डी के साथ, अगर इस सी और डी ग्रुप में अगर सही जवाब नहीं देते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आप दोनों से दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, दोनों टीम ग्रुप सी और ग्रुप डी से। तो आप क्या दोनों आदमी क्वेश्चन जवाब देने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो आपसे क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन है, आप जब ग्रुप सी कौन है? आप है नहीं, ग्रुप सी वाले को दीजिए क्वेश्चन माइक। तो आपसे प्रथम क्वेश्चन है, हाँ, महाराष्ट्र में कितने जिला है? 32। महाराष्ट्र में 32, बिल्कुल गलत जवाब है। अब आते हैं ग्रुप डी। आपसे क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिला है? 36। बिल्कुल गलत जवाब। अभी भी दोनों प्रतियोगिता में बने हुए हैं, लास्ट चांस है। अगर इसमें अगर जवाब देते हैं तो ठीक, अगर कोई भी एक क्वेश्चन दोनों ग्रुप में से कोई भी अगर एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तो आप विनर हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछा हूँ, आपने जवाब नहीं दिया, अभी भी दोनों प्रतियोगिता में जीवित है। हाँ, तो ग्रुप सी आपसे क्वेश्चन है, तो ग्रुप सी आपसे क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा। हाँ, आपने अपने जूस दुकान पे गए, आपने आपका जूस का दाम एक गिलास का 5 रुपया है, आपने अपने 10 दोस्तों को जूस पिलाया, तो आपने कितना रुपया खर्च किए? एक बार फिर से बोलना, मैं सुन रही नहीं। आपने एक दुकान पे जूस पीने गए और 5 का सबको 10 गिलास पिलाया। आप जूस का कीमत एक गिलास का 5 रुपया है, आपने 10 मित्रों को जूस पिलाया, तो आपने कितना रुपया खर्च किए? अच्छे से सोचिए, क्वेश्चन नहीं समझे तो मैं एक बार और बताऊंगा। 50 रुपए। बिल्कुल सही जवाब। अब ग्रुप डी से क्वेश्चन माइक दे दीजिए ग्रुप डी को। तो ग्रुप डी, आप तैयार है क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? हाँ। 5 महिला किसी नल पे पानी भर रही है,
प्रत्येक महिला ने दो बाल्टी पानी भरा तो कितने बाल्टी पानी टोटल भरा गया? जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से बोलो। पांच महिला ने किसी नल पे पानी भरने गया, प्रत्येक महिला ने दो दो बाल्टी पानी भरा तो टोटल पानी कितना भरा गया, कितना बाल्टी पानी भरा गया टोटल? दस। बिल्कुल सही जवाब। अभी दोनों इस प्रतियोगिता में जीवित हैं। अब ग्रुप सी को मैं फिर से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हाँ। आपसे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। बिल्कुल सही जवाब है। और ग्रुप डी से क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। बिल्कुल सही जवाब दोनों को। अब ग्रुप सी से क्वेश्चन है। हाँ। भारत की राजधानी कहाँ है? ग्रुप सी से क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? इंग्लिश में बोलना। द कैपिटल ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया। अरे क्या, नहीं सॉरी सॉरी, भारत की राजधानी इंडिया का कैपिटल कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। अब ग्रुप डी से क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिल्कुल सही जवाब। अभी दोनों का रन महा टक्कर में है। अब 87 कितना होता है? ग्रुप सी आपसे क्वेश्चन है। 87। हाँ। कितना होता है? एक मिनट बता रहा हूँ। ग्रुप सी जल्दी। अब ग्रुप डी आप तैयार रहिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। 126। क्या कंफर्म है? हाँ। बिल्कुल सही जवाब है। अब ग्रुप डी से क्वेश्चन है, 69 कितना होता है? सोच लीजिए। 169। लास्ट चांस है। बिल्कुल सही है। अब आप ग्रुप डी, आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। अब दोनों आदमी आप आ जाइए, आ जाइए। तो दोस्तों आज इस क्विज प्रतियोगिता का तीन विनर मेरे सामने आ चुका है, उसमें ग्रुप सी और ग्रुप ई और ग्रुप एफ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये सभी को ग्रुप, चार ग्रुप को पछाड़ते हुए अपना स्थान इसमें 1, 2, 3 में बना चुके हैं, 1, 2, 3 में बना चुके हैं। और यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड का विनर जो साबित होगा वो आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रतियोगिता में आपको बता दूं कि ग्रुप फिर से जो ग्रुप आप प्रथम स्थान पे, सेकेंड स्थान पे और थर्ड स्थान पे, ये आपको अभी साबित होगा। तीनों ग्रुप से दो दो क्वेश्चन पूछूंगा, अगर जो सही जवाब देगा उसका प्रथम रैंक रहेगा
उससे कम जवाब देगा उसको सेकंड स्थान, और जो कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा तो उसको तो सीधा फेल किया जाएगा। इसलिए जब इतना प्रतियोगिता में जब आ चुके हैं, आप लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, ठीक है? तो आप लोग तैयार है? आप लोग तैयार है क्वेश्चन के जवाब देने के लिए? हाँ, यस सर। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, आप अच्छे से सोच समझ के बताइएगा। एक महिला के पास यस सर, एक महिला के पास खाने बनाने के लिए अगर उसको रोटी बनाना है तो कम से कम कितने सामानों की आवश्यकता होगी? आटा, पानी। कम से कम, मैं रोटी देखना चाहता हूँ। आटा और पानी। आटा पानी से रोटी बन जाएगा? फिर मैं गलत साबित कर दूंगा, आप सोच समझ के अच्छे से बनाइए, क्योंकि उसके लिए माइंड थोड़ा दिमाग लगाइए। आटा, पानी और तावा और आग। बिल्कुल सही जवाब है, उससे तो रोटी पक ही जाएगा। अब आते हैं रौनक को, ग्रुप को। रौनक, क्या आप तैयार है क्वेश्चन को जवाब देने के लिए? यस सर। आपसे क्वेश्चन है? यस सर। आप जवाब दीजिएगा अच्छे से सोच समझ के। यस सर। मम्मी ने आपको दो सुदर्शन चक्र दिया। यस सर। पापा ने तीन सुदर्शन चक्र दिया। यस सर। हाँ। यस सर। तुम्हारा मामा ने बोला कि इनको दो सुदर्शन चक्र मत दीजिए। तो तुम्हारे तुमको कितना सुदर्शन चक्र मिला? तीन। तो रौनक जी, यस सर, आपने जवाब तो सही दिया, लेकिन आपने किसी के इशारे पे जवाब दिया था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन को कैंसिल किया जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन है कि आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस सर, कि आपका मामा जी ने आपको 15 रुपया दिया। यस सर। आपको बोला कि बाजार जाओ। यस सर। आपने बोला ठीक है मामा जी, मैं बाजार जाऊंगा। यस सर। लेकिन एक शर्त है, मुझे मैं जितना आप जितना रुपया देंगे उस पे जितना रुपया देंगे उससे 5 रुपया मैं एक्स्ट्रा लूंगा। यस सर। तो आपको मामा जी ने 30 रुपया दिया। यस सर। यस सर। क्वेश्चन समझे कि नहीं? समझा। 30 रुपया दिया। यस सर। आप पर सामान 15 रुपया का है। यस सर। तो आपके पास कितना रुपया ओरिजिनल आया? 45। बिल्कुल सही जवाब है। आपने लग रहा है मेरे को क्वेश्चन समझ गए हुए थे, ठीक है? तो yes, आपका क्वेश्चन, आप कैसे इस क्वेश्चन को पकड़े रौनक जी? आप कुछ जवाब देंगे क्योंकि ये भी किधर से इशारा से हुआ जवाब? इशारा से नहीं हुआ सर। तो कैसे जवाब दिए? क्योंकि 30 मेरे मामा ने रुपीस दिए। हाँ, पर सामान 15 रुपया का था, तो मैंने उसमें 10 रुपया डाला। हाँ। और वो 40 रुपीस हुए, उसमें 5 रुपया डाला तो 45 रुपीस। 5 रुपया कहाँ से लाए? वो मेरे मामा ने दिया सामान खरीदने के लिए। तो 30, अच्छे से समझिए, आप क्वेश्चन नहीं समझे हुए थे। क्वेश्चन को इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो समझा फिर से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर। आप समझिएगा। यस सर। क्वेश्चन है कि आप
सोच समझ के बताइएगा आपका दिमाग टेस्ट है ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को मैं कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि उस क्वेश्चन में मैं ही थोड़ा उल्टा बोल दिया था, इसके लिए मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक केजी सब्जी का दाम अगर 30 रुपया है सर, तो आपका मामा जी ने आपको 15 रुपया दिया और बोला कि बाबू मार्केट जाओ और सामान लेके आओ, तो आप कितना सब्जी लाएंगे? मैं बताइए आप कितना सब्जी लाएंगे? तो रौनक जी आप जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? आधा किलो। बिल्कुल सही है रौनक जी, आप आधा केजी सब्जी लाएंगे। यस सर। आपको मम्मी खाना बना के देंगे। यस सर। ठीक है, तो अब प्रियांशु। यस सर। आप तैयार है आप क्वेश्चन को जवाब देने के लिए? हाँ। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है, आप अच्छे से बताइएगा। हाँ। कि आप जवाब दीजिएगा, मनुष्य के फेस में कितने हड्डी होते हैं? फेस में, मनुष्य के फेस में कितने हड्डी होते हैं बताइए? पढ़े हुए थे कि नहीं कभी? नहीं, गलत, बहुत पढ़े होंगे। तो फेस में कितने हड्डी होते हैं? नहीं पढ़ा हूं मैं। बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं सर, आप भी नहीं पढ़ाए थे अभी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फेस में 14 हड्डी होते हैं, नजर में रखिए। 14 मतलब, अब आइंदा इसको गलती 14। अब फिर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइएगा कि इसको है? मैं हूँ आदित। बिहार की राजधानी कहाँ? पटना। आपसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी मुंबई। रॉन्ग जवाब। आपसे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। बिल्कुल सही जवाब है। अब इस ग्रुप में मैं आपको बता दूं कि आज की ये क्विज प्रतियोगिता के फाइनल में रौनक कुमारी पहुंच चुका है, और एक चीज बता दूं कि अभी भी रौनक और प्रियांशु का चांस है क्योंकि ये दोनों ने एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। अगर ये दोनों में से अगर एक क्वेश्चन का जो जवाब देंगे उसका भिड़ंत होगा, उसका भिड़ंत होगा सोनम कुमारी के साथ। ठीक है, तो सोनम कुमारी जी आप बाहर निकल जाइए उधर से। तो क्या आप लोग तैयार हैं आप दोनों? यस सर। तैयार है? हाँ। तो आपसे क्वेश्चन है, यस सर, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस सर। कि यस सर, आपसे क्वेश्चन है। यस सर। अच्छे से समझिएगा और जवाब दीजिएगा। यस सर। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। बिल्कुल सही जवाब। सर सर बंद कर बंद कर, इससे पूछ लेना। आपसे क्वेश्चन है। हाँ। अभी अगर ये क्वेश्चन को आप जवाब नहीं देंगे तो आप भी बाहर हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। बिल्कुल सही जवाब। अभी दोनों इस प्रतियोगिता में बने हुए हैं, तो रौनक जी आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब दीजिएगा। यस सर। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? मनुष्य के 28। रॉन्ग जवाब। अब आपसे क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मतलब अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री दामोदर मोदी। बिल्कुल सही जवाब है। अब प्रतियोगिता का जो फाइनल राउंड होगा इसमें रौनक कुमार बाहर हो चुके हैं। इस फाइनल प्रतियोगिता में प्रथम और जो विनर होगा उसको अभी मिल। तो रौनक जी, यस सर, आपने रौनक जी, यस सर, आपने बहुत, मुझे खुशी हुआ कि आप इतना तक पहुंचे। यस सर।
आप फाइनल तक पहुंचे। यस सर। समझ जाइए कि फाइनल ही राउंड था, उसमें प्रतियोगिता विनर साबित हो जाते अगर आप पूरा मिस्टेक नहीं करते। आपको कैसा लग रहा है कि आपने जो प्रथम स्थान पे आए और प्रथम स्थान के ग्रुप में आए लेकिन आप विजेता नहीं बने, तो आपको क्या लग रहा है कि आप 15 अगस्त के लिए आप तैयारी करेंगे घर पे जाके अच्छे से? यस सर। और क्या लग रहा है, जैसे आप बाहर हो गए इसमें, इसके लिए कुछ अफसोस है कि क्या है कि घर पे जाके क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं अच्छा चाहता हूँ, हार गया पर मैं मेहनत करूँगा। बिल्कुल सही है रौनक जी, हार गए उससे क्या, लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। ये कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। अच्छा लगा। अब मैं इस प्रतियोगिता का जो विनर होगा आज साबित हो जाएगा, इस राउंड में हो जाएगा। यस सर। अब रौनक जी आप उधर से बाहर निकल जाइए क्योंकि आप इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। अब सोनम कुमारी और प्रियांशु हिरन, तो सोनम और प्रियांशु आप अपने अपने जगह पे दोस्तों, ये फाइनल राउंड प्रतियोगिता है, इसमें जो अच्छे जवाब देंगे वो विनर हो जाएंगे और जो सोनम और प्रियांशु के बीच ये प्रतियोगिता का जो फाइनल राउंड है इसमें अब कौन जीतेंगे ये मुझे भी नहीं मालूम है। और तो आपसे क्वेश्चन है, तो सोनम कुमारी आप जवाब देने के लिए तैयार है? तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा। हाँ। कि अच्छे से समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ सर। कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन सैलरी कितना होता है? राष्ट्रपति का? हाँ। 5 लाख। 5 लाख। बिल्कुल सही जवाब, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। इसमें भी दो दो क्वेश्चन, इसमें तब तक क्वेश्चन पूछूंगा जब तक कि आप लोग पूरा जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि विनर साबित करना है। तो अब क्वेश्चन प्रियांशु कुमार आपसे क्वेश्चन है। हाँ। अच्छे से समझ के बताइएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक। तो आपसे क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ। बिल्कुल सही जवाब है। अब सोनम कुमारी आपसे क्वेश्चन है। हाँ सर। जवाब दीजिएगा। हाँ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताओ? शायद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। बिल्कुल सही जवाब, कॉन्फिडेंस से रहिए, जो आ रहा है वही जवाब दीजिए क्योंकि जो फर्स्ट बार मन में आता है वही सही होता है। ठीक है। अब प्रियांशु कुमार आपसे क्वेश्चन है। हाँ। कि आपसे क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। बिल्कुल सही जवाब। अब सोनम कुमारी आपसे क्वेश्चन है, मनुष्य के मुंह में दांत कितने होते हैं? 32। बिल्कुल सही जवाब। प्रियांशु कुमार अब आपसे क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। बिल्कुल सही जवाब। अब सोनम कुमारी आप जवाब दीजिएगा कि मनुष्य के कान में कितने हड्डी होते हैं? दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डी होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। प्रियांशु अब आप तैयार है? यस। आप जवाब दीजिएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? श्री उदय ठाकरे। बिल्कुल सही जवाब। अब सोनम कुमारी आपसे क्वेश्चन है, मनुष्य के फेस में कितने हड्डी होते हैं? मनुष्य के चेहरा में 14। बिल्कुल सही जवाब। रौनक कुमार अब आपसे क्वेश्चन है कि मनुष्य के कपाल में कितने हड्डी होते हैं? 6। रॉन्ग जवाब। अब मेरा आज की इस प्रतियोगिता का जो विनर है वो सोनम कुमारी, जो इसके लिए आप लोग जोरदार ताली से उनको स्वागत कीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का क्यूज प्रतियोगिता का विनर सोनम कुमारी, और उसके बाद जो बाकी सेकेंड स्थान पे आए थे प्रियांशु, सेकेंड और थर्ड स्थान पे रौनक आए हुए थे, जो आज का ये टॉप 3 है जो आपको दिखता होगा जिनके। और तो
सोनम कुमारी आप बताइएगा कि आज जो आपको प्रथम स्थान पे इस प्रतियोगिता में आए हैं तो आपको क्या फील हो रहा है कि बताइए कैसे आप कैसे पढ़ते हैं जो आपको इतना जीके जीएस आपको याद है और आप बताइए कि ताकि जितने भी आपका भाई हो तो सोनम आज जो आप फर्स्ट विनर हुए आपको कैसा फील हो रहा है आप कैसे तैयारी करते हैं ताकि और बच्चों को बताएं कि वो कैसे जीके जीएस पढ़े ताकि उसको भूले नहीं क्योंकि पढ़ा तो सब था उसमें आपका प्रथम स्थान हासिल हुआ अब बताइए अपने पढ़ने का राज क्या है। सर एक बात तो है मैं जब जीती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है और जीके मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और मैंने मन लगा के पढ़ाई की। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब लोगों ने मन लगा के नहीं पढ़ाई की, मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने मन लगा के पढ़ाई किया और अगर सब लोग ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो वो भी विनर हो भी सकते हैं, यही कहना चाहती थी। बताइएगा कि आज आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, मतलब बनाने में भी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना और हम सब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और 15 अगस्त को हम लोग वीडियो बनाएंगे, लाइव रहेगा, सब लोग प्लीज़ देखना और लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना। चलो बाय बाय दोस्तों, 15 अगस्त को मिलेंगे, बाय दोस्तों।